हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की डेट जो है वो सामने आ चुकी है और कब ये जो है ट्रेन इंडियन रेलवे ट्रैक पर दौड़ने वाली है या फिर यूँ कहें इसका ट्रायल वगैरह कब होने वाला है, तो आज की वीडियो में हम इसी चीज़ पर चर्चा करने वाले हैं और जानेंगे कि स्लीपर वंदे भारत ट्रेन जो है कब से स्टार्ट होने वाली है। दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देश भर के कई रूट पर दौड़ रही हैं। भारतीय रेलवे की एडवांस फीचर वाली इस हाई स्पीड ट्रेन को लगातार अलग अलग जगहों पर एक्सपेंड किया जा रहा है। पिछले कई महीनों से स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं और खबर ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही देश को पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने वाले हैं। और ये कब देने वाले हैं, इसकी डेट क्या है, इसी के बारे में हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं रेल जर्नी विद राहुल। दोस्तों, मॉडर्न सुविधाओं से लैस स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के आने से लंबी दूरी का जो सफ़र है वो पहले से आसान हो जाएगा। और बात करें अगर इसकी डेट की, तो इसका जो डेट है वो 15 अगस्त होने वाला है। 15 अगस्त के आसपास जो है ये ट्रेन, इसका ट्रायल जो है वो होने वाला है और इसके बाद ही जो है ये ट्रेन जो है इंडियन रेलवे ट्रैक पर दौड़ने वाली है। बात करें अगर हम स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की, तो इसका जो फॉर्मेट है वो राजधानी एक्सप्रेस की जैसे होने वाला है। मतलब इस ट्रेन में थर्ड एसी, सेकेंड एसी और फर्स्ट एसी की कोचेज जो है लगने वाले हैं। इसके साथ ही इस ट्रेन में दो SLR कोच भी लगने वाले हैं। इस ट्रेन की स्पीड जो है वो 130 से 160 होने वाली है, क्योंकि ये एक फुली एसी ट्रेन होगी और इसकी स्पीड जो है वो नेक्स्ट लेवल होने वाली है। दोस्तों, अगर हम बात करें इस ट्रेन के रूट की, तो गौर करने वाली बात यह है कि सबसे पहले जो है इसे दिल्ली से मुंबई के बीच जो है इस ट्रेन को चलाने की प्लानिंग चल रही है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल्ली मुंबई रेलवे रूट काफ़ी बेस्ट रूट है और इस रूट पर यात्रियों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। दिल्ली मुंबई रूट पर ज़्यादा यात्रियों के चलते इस रूट पर ट्रेनों में हमेशा सीट की कमी रहती है और यात्रियों को कई ट्रेनों में आसानी से रिजर्वेशन मिलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसीलिए जो है इस रूट को चुना गया है और इस ट्रेन के आने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। और दोस्तों, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन 2 महीनों के अंदर जो है रेलवे ट्रैक पर होगी। और इससे पहले इसी साल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के सेट का जो काम चल रहा है उसका जायजा लेने बेंगलुरु भी गए थे और वहाँ ने उस जगह का दौरा भी किया था जहाँ पर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन बनाई जा रही है। अच्छा, गौर करने वाली बात यह है कि इसी साल महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है और इसीलिए महाराष्ट्र को पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि स्लीपर वंदे भारत ट्रेन जो है वो दिल्ली से मुंबई रूट पर चलाई जाने वाली है, जो कि एक राजधानी एक्सप्रेस की तरह ट्रेन जो है होने वाली है और उसी की तरह जो है इस ट्रेन को ट्रीट भी किया जाएगा, क्योंकि इस ट्रेन का फॉर्मेट भी सेम राजधानी के जैसा है और इस ट्रेन को भी इंडियन रेलवे ट्रैक पर काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी मिलने वाली है, क्योंकि ये ट्रेन जो है वो अब तक की सबसे अलग टाइप की ट्रेन होने वाली है। तो दोस्तों, अभी तक आपने वंदे भारत का चेयर कार वर्जन देखा है और अब आपको जो है जल्द ही स्लीपर वर्जन जो है देखने को मिलने वाला है। और बात करें अगर हम चेयर कार वंदे भारत की, तो इसका भी एक्सपीरियंस पैसेंजर्स के बीच काफ़ी अच्छा रहा है और उम्मीद ये है कि आने वाली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का भी एक्सपीरियंस पैसेंजर के बीच काफ़ी नेक्स्ट लेवल होने वाला है। तो दोस्तों, फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप जल्दी कैसे नए वीडियो में रेलवे से जुड़ी ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।